बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी आज मैंने बनाई है शाही दानेदार चिकन दलीम, और ये बहुत मज़े की बनती है और बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए जी मैंने ऑयल लिया है इस पैन में, हाफ कप से भी कम, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद जो है ऑयल जाना है बाद में, और चिकन जो है मेरे पास एक कप के करीब बोनलेस ये बन जाए, बस इतना डाला है। और साथ में जी इसके अंदर बोन्स भी हैं, वो बाद में निकाल लूँगी। और ये वाला जो है पैकेट है, इससे मैं इसका दलीम का मसाला निकालूँगी, और साथ में इसमें दालें भी होती हैं और ओट्स भी इसके अंदर मौजूद होता है। और ये जो है पैकेट बड़े वाला, इसमें दालें और ओट्स होती हैं, और ये छोटा जो पैकेट है इसके अंदर जी इसका मसाला होता है, और इसके ऊपर मेंशन होता है कितना चिकन, कितनी हलीम, दालें वगैरह या जो चीज़ें भी हैं सब मेंशन होती है इसके अंदर। लेकिन मैं इसके अंदर मसाला जो है और डालूंगी, क्योंकि मैं इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करने वाली हूं। अच्छा जी, चिकन जो है वो मैंने डाल दिया, और साथ में मैंने मसाले का एक पैकेट डाला, और एक जो है मज़ीद दूसरा मेरे पास था उसको भी मैंने खोला है, और हाफ से ज़्यादा मैं इसके अंदर डालूंगी। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसके ऊपर चाट मसाला डलेगा एंड में, जब हम खाएँगे इसको तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, इसलिए मैंने बचा लिया इसको। अब इसको जी मसाले के साथ चिकन को ज़रा सा, इसको 4 to 5 मिनट जो है इसकी इसके साथ भुनाई करनी है, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अब इस पैकेट को खोल लेते हैं। इसमें जी दालें होती हैं और ओट्स होती हैं स्पेशल, जो गंदम के छिलका वगैरह उतार के दलीम के लिए रेडी किया जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, इसके अंदर दालें बहुत कम होती हैं, ये देखें बहुत कम दालें होती हैं, ज़्यादातर जो है वही ओट्स ही होते हैं ज़्यादातर। और इसलिए इसके अंदर मैं दालें मज़ीद, एक प्याली चने की दाल ली है मैंने, एक हाफ़ प्याली जो है माश की दाल है, धुली हुई छिलके वाली नहीं है, और साथ में मूँग मसूर की हाफ प्याली दाल है। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के जो है चावल लिए हैं, उन्हें इन सब को मैंने धो के अच्छे से फिर रखा हुआ है। और जी मेरा ये जो चिकन है ये मसाले के साथ भुनाई होगी है, तो अब इसके अंदर ये सारी ओट्स और जो दालें हैं वो डाल दूंगी मैं। सबसे पहले चने की दाल है, ये सब मैंने धो के अच्छे से फिर निकाला है। एक प्याली चने की दाल ली है, हाफ प्याली माश की दाल है, छिलके वाली नहीं है, धुली हुई दाल है, और साथ में जी ये मूंग और मसूर की दाल है, ये भी मैंने हाफ प्याली ही ली है दोनों की मिक्स। और जी ये 3 टेबल स्पून चावल है मेरे पास, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद जी इसके अंदर मैं पानी डालूंगी इतना कि ये सब जो है अच्छे से गल जाए। और इसके अंदर पानी मैं डाल रही हूँ 14 कप मैंने पानी डालना है टोटल, ताकि ये जो है अच्छे से गल जाए, पक जाए। और इसके बाद जी फिर आगे इसका क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, अभी इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। और जी ये देखें जी पकना स्टार्ट हो गए हैं, बॉयल आ गया है। तो अब जो है मैं इसे ढांप के 3 से 4 घंटे रखूँगी। अगर तो मैंने इसके अंदर बीफ का गोश्त, बीफ डाला होता या मटन डाला होता फिर 6 घंटे पकता, लेकिन मैं सिर्फ 4 घंटे पका रही हूँ। और 4 घंटे के बाद ये देखें इसकी कंडीशन है, इसका ढक्कन रख देते हैं, बिल्कुल ये बॉयल होके नहीं आता, लो आँच पर पकता है ये। और अब जो है इसके चिकन के जो पीस हैं वो मैं निकाल रही हूँ, और मैंने इसे सिर्फ 3.5 घंटे यानी 4 घंटे से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही, 10-15 मिनट पहले ही मैंने बंद कर दिया है। और अब जो है चिकन निकाल लिया है, उसको अलहदा से रख दिया है, ताकि उसकी हड्डियां जो है वो मैं निकाल दूं, बोन्स अलहदा कर दूं। और इसको जी मैश कर रही हूं, लेकिन चूंकि मुझे ये दानेदार रखनी है तो मैं इसको हाफ़ जो है वो मैं पीस लूँगी, ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर रही इसको इसके अंदर पीसना है। और पीसना भी कितना है, सिर्फ 10 सेकंड पीसना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी इसको जो है ब्लेंड नहीं करना, वरना बिल्कुल ये जो है पेस्ट बन जाएगी, और पेस्ट तो बिल्कुल बनानी ही नहीं है। दाना रखना है इसके अंदर, सब चीज़ें जो हैं, दालें जो हैं अच्छे से गल चुकी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखें बिल्कुल जो मैंने 10 सेकंड इसकी जो पेस्ट बनाई है वो बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट नहीं है, उसमें भी दाना है। और मज़ीद जो है मैं हाफ़ जो है ना इसको इस तरह पीसूंगी, और हाफ़ जो है इसी तरह हाथ से, हल्के हाथ से पीसती रहूंगी। और ये चिकन है इसके अंदर डाल दिया, 1.5 कप जो है मेरे पास चिकन जो है बोनलेस जो है बचा, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी यही दलीम डाली है और दालें वगैरह। और उसके बाद जी इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए, 8 to 10 यानी 8 सेकंड या 10 सेकंड के बीच में मैंने इसको बंद कर दिया, और जी ये रेडी होगी। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पीसना, वो बिल्कुल पेस्ट इसकी भी ना हो जाए, इसका रेशा चाहिए। और ये देखें जी बिल्कुल इसका रेशा नहीं, पेस्ट नहीं बनी, इसका रेशा मौजूद है इसके अंदर। और हाथ से करेंगे तो वो फिर ज़्यादा मेहनत हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
इस तरह झटपट जल्दी से बन जाती है, रेडी हो जाती है। और चिकन का जो रेशा है वो ये देखें अभी तक मौजूद है इसके अंदर। तो अब इस सारी जो चिकन को है मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। ये है कि चिकन की जो दलीम होती है वो ज़रा वाइट कलर की बनती है, यानी उसका कलर जो होता है वाइट वाइट रहता है, और मटन की और जो बीफ की होती है उसका कलर डार्क हो जाता है, और उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। मैं वो भी आपको बताऊँगी कि वो भी सेम इसी तरह बनेगी और वो भी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, सारे चिकन को मैंने मिक्स कर लिया, तो अब इसका बघार लगाना है, यानी इसको बघार लगा के करना है। लेकिन एंड में जो बघार लगेगा उसका टेस्ट जो है उसका जो है वो अलहदा ही बहुत मज़े का लगता है। तो जी, इसके लिए मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज जो मुझे इसके अंदर डालना है वो मैंने काटा, और साथ में हाफ प्याज मैंने और काट लिया क्योंकि वो मुझे निकाल लेना है इसके अंदर से। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी, और साथ साथ जी इसकी जो है इसको पीसती रहूंगी इसी चम्मच के साथ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अभी से जो है थिक हो गई है और मिक्स हो गया अच्छे से। थोड़ा सा दाना है अभी भी, और ये चूंकि इसका नाम ही शाही दानेदार चिकन दलीम है तो इसके लिए इसके अंदर दाना जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वही इसका टेस्ट वही इससे मज़ा देता है। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा भी दाना नहीं होता, इसको मैं मसलसल जो है पीस रही हूँ साथ साथ, क्योंकि वो सब चीज़ें गली हुई हैं बहुत अच्छे से और वो पीस रही हैं, और चिकन जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है, और प्याज अब मैं डाल रही हूँ, ऑयल गर्म हो गया है। और इसके बाद जी जैसे ही प्याज का कलर जो है डार्क होता है, यानी गोल्डन कलर का प्याज को कलर देना है, और उसके बाद जी ये देखें प्याज का कलर जो है गोल्डन हो गया है, तो अब मैं उसके अंदर से 2 टेबलस्पून जो प्याज है वो मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो है प्याज और ऑयल जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। मैंने स्टार्ट में ऑयल जो है वो बहुत कम डाला था क्योंकि मैंने इस स्टेज पर इसके अंदर मज़ीद जो है ऑयल डालना था। तो जी अब मैंने इसके मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर जो मैंने प्याज का तड़का जो है वो ऑयल के साथ लगा दिया है, तो अब मैं इसको ढाँप के 10 मिनट के लिए पकने रखूँगी हल्की आँच पे। और जी ये देखें 10 मिनट के बाद जी ये हल्की आँच पे बनके ये दलीम जो है रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और स्पाइसेस जो हैं वो भी परफेक्ट हैं क्योंकि मैंने और डाले थी दालें खुद से, तो मैंने अपने लिए इसमें मसाला जो है और ऐड किया। अगर और ना हो तो उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है ऐड किया जा सकता है। अच्छा जी, अब जी मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, और अब इसके बाद जी अब जो मेन तो तड़का जो इसमें लगना है वो ही बहुत ज़बरदस्त होता है, उसी से इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद जो है बढ़ता है। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, अदरक डाल दिया है, और अब जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बघार। अच्छा जी, वो बघार जो है देसी घी का होगा, और देसी घी जो है उसके अंदर मैंने हरी मिर्च और प्याज जो है वो फ्राई किया है, वो हो रहा है दूसरी तरफ, और इस पर मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला ताकि इसका भी जो है फ्लेवर जो है अच्छे से इसके अंदर आ जाए। और जी ये मैंने देसी घी फ्राई किया हुआ है मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का लगता है ये। और जी बस अब मैं इसके ऊपर लेमन रख दूंगी क्योंकि लेमन के बगैर दलीम जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसी से इसका मज़ा आता है। और जी ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शाही दानेदार चिकन दलीम रेडी हो गई है, और ये बहुत मज़े की लगती है, ये नान के साथ भी अच्छी लगती है, और तंदूरी रोटी जो होती है उसके साथ भी अच्छी लगती है, और पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, और चम्मच से भी खाएं तो भी बहुत मज़े की लगती है ये। और जी बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।